बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सूरत अंज़ाल पार्ट 11। मर्द औरत से पहले डिस्चार्ज क्यों हो जाता है? ऐसा राज जिससे टाइमिंग डबल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब खैरियत से होंगे। आज का प्रोग्राम सूरत अंज़ाल है, यानी मर्द औरत से पहले क्यों फारग हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा ये क्या है, किस वजह से होता है। नाज़रीन, अभी मैं आपको सूरत अंज़ाल के बारे में बताता हूँ कि ये क्या है। सूरत के मायने है जल्द या फौरन अंज़ाल हो जाना। तिब्बी इस्तिलाह में मनी के कबल अज़वाज खारिज हो जाने को सूरत अंज़ाल कहते हैं। इसके मुख्तलिफ दर्जात या किस्में हैं। किसी को दुखूल से कबल या दुखूल के फौरन बाद या जमा का तसव्वुर से ही अंज़ाल हो जाता है। आमतौर पर मुबाशरत में अंज़ाल की तिब्बी मुदत 2 या 3 मिनट से 5 मिनट तक हो सकती है, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। जवानी में ये वक्त 25 से 30 मिनट हो सकता है। 1 मिनट से कम वक्त सूरत अंज़ाल की निशानी है और ये बढ़कर ज़ोफ़ वबा पैदा हो जाता है। औरत की तसल्ली नहीं होती, इसको मर्द से नफरत हो जाती है, झगड़े शुरू हो जाते हैं, मामलात बिगड़ जाते हैं। नाज़रीन, अभी मैंने आपको बताया कि सूरत अंज़ाल क्या है, अब मैं आपको इसके असबाब के बारे में बताता हूँ। सूरत अंज़ाल के असबाब: हसीन औरतों का हर वक्त ख्याल रहना, इश्की अफसानों नावलों का पढ़ना, नंगी तस्वीरें देखना, शहवत बढ़ाने वाले मनाजर का तसव्वुर और जिरान के अमराज पैदा करते हैं। दूसरी वजह: जिस्म के अंदर हरारत का बढ़ जाना, जिस्म में हरारत ज़्यादा बनती है मगर अखराज कम होता है। बाद लोग गर्म रोटी, सालन खाने और दूध या चाय पीने के आदि होते हैं, इससे भी अक्सर सूरत अंज़ाल हो जाता है। गर्म इलाके, गर्म माहौल में जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी जिस्म में जज़्ब होकर सूरत अंज़ाल का सबब बन सकती है। तीसरी वजह: कम उम्र औरतों या कुंवारी लड़कियों से मुबाशरत करना। इनके जिस्म में मर्द की हरारत से बहुत ज़्यादा हरारत होती है, जो जिस्म में जज़्ब होकर मनी में हिद्दत या हरारत पैदा करती है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं या बैठे के काम करते हैं, वो भी इसका शिकार हो सकते हैं। बाद लोगों के पास वक्त की कमी की शिकायत होती है, सेक्स के लिए वक्त निकालना पड़ता है, वो हदफ मकरर करके सेक्स करते हैं, वो भी इसका शिकार हो सकते हैं। जिन लोगों का मैदा सही काम ना करो, कब्ज जाती हो, हाथ पाँव की जलन हो, मैदे में तजाबीत हो, या चावल या गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो, तो ये भी सूरत अंज़ाल का सबब बन सकता है। इसके अलावा जिगर का सही काम ना कर रहा हो, यानी ज़ोफ़ जिगर, ज़ोफ़ गुर्दा, ज़ोफ़ मसाना भी इसका सबब बन सकता है। आजकल का सबसे बड़ा सबब जलब यानी मुझजनी मास्टरबेशन है। नाज़रीन, अब मैं आपको सूरत अंज़ाल के सबब बताता हूँ। सूरत अंज़ाल के अहम असबाब में उज़्र ख़ास की खराबियाँ भी शामिल है। मसलन उज़्र ख़ास का ढीलापन, उज़्र ख़ास का पतलापन, उज़्र तनासल का छोटापन, उज़्र तनासल की कज्जी, उज़्र तनासल की कताई, उज़्र तनासल की बारीकी, उज़्र तनासल की नाहमवारी, उज़्र तनासल का टेढ़ापन, उज़्र ख़ास का मस्कुलर फ्रैक्चर, उज़्र ख़ास का जड़ से कमज़ोर हो जाना, उज़्र ख़ास दरमियान रिंग सा बन जाता है, जैसी तमाम खराबियाँ सूरत अंज़ाल के वजूहात में शामिल हैं। जी नाज़रीन, ये थे सूरत अंज़ाल के असबाब। अब मैं आपको बताता हूँ कि मर्द औरत से पहले डिस्चार्ज क्यों हो जाता है। ऐसा राज जिससे टाइमिंग डबल हो जाए। मर्द का मिजाज गर्म खुश्क होता है और मनी वाफर मिजाज में बनती रहती है, जो बवक्त जमा खारिज हो जाती है। अगर जमा को कई हफ्ते गुजर जाए तो जिस्म के रग व पट्टे कुरी हड्डी की परवरिश में खर्च हो जाती है। जल्द अंज़ाल की सबसे बड़ी वजह मर्दों में शहवत की ज्यादती, मगलूब होकर जलब, अगलामबाजी और गैर फितरी जमा के मुख्य तरीकों से गिर का जरियान सूरत अंज़ाल इतलाम जैसी अलामत में गिरफ्तार हो जाता है। तीसरी वजह यह भी है कि मुवासलत से पहले औरत को जुमा से आगाह ना करना खुद इन ख्यालात में गर्क होकर इंतशार कामल ना होने से कबल ही अचानक हमला कर देता है। चौथे, औरत की शहवत को मुश्किल ना करना। जिस रोज़ प्रोग्राम हो सुबह से घर में कह दिया जाए कि आज जुमा करेंगे, इससे अव्वल औरत नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है। दोम, इसके दिल में सुबह इसी जुमा के लुत्फ अंगेज ख्याल से मीठी मीठी शहनाइयाँ बजने लगती हैं और वो अपने आप को इस वक्त खास के लिए तैयार कर लेती है। और जब मर्द इसके साथ सेट हो जाता है तो इस वक्त अगर मर्द मजीद शहवत अंगेज हरकात से तैयार कर ले, चंद ही लम्हा में औरत डिस्चार्ज होकर अपने मर्द पर फिदा हो जाती है। नाज़रीन, अब मैं आपको सूरत अंज़ाल की एहतियाती तदाबीर और परहेज के बारे में बताता हूँ। सूरत अंज़ाल के मरीज चावल, आलू, मटर, गोभी, मोटा गोश्त, चने की दाल, लोबिया, पकौड़े, समोसे, अचार, चटनियाँ वगैरह इस्तेमाल ना करें। गर्म मिजाज वाले लोग ज़्यादा गर्म गजाएँ, मसलन गर्म मसाले, अंडा, मछली इस्तेमाल ना करें। अब मैं नाज़रीन को सूरत अंज़ाल के इलाज के बारे में बताता हूँ। हफ्ते में 3 से 4 दिन वर्जिश या तेज चलने के लिए निकालें। पुट्ठों को आराम पहुँचाने वाली वर्जिश करें। अपने ऊपर मौजूद तनाव और रोज़मर्रा की परेशानियों को कम करें। ऐसी गजाएँ इस्तेमाल करें जो मनी को गाढ़ा करती हैं, मसलन खजूर, भिंडी, तोरी, दाल माश, केले का मिल्क शेक वगैरह इस्तेमाल करें। तमाम जिनसी अमराज बशमूल सूरत अंज़ाल के इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिब्बी तरीके इलाज को हासिल है।
जो कमजोर और सदाबहार जवानी के ख्वाहिशमंद मर्दों के लिए एक काबिल एतमाद हर्बल तरीके इलाज है। सबसे ज्यादा अहमियत भी कुदरती तरीके इलाज को हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और मुख्तलिफ नाइल डॉक्टर्स और रुकमा हज़रात के इलाज से वक्ती आराम तो आ जाता है, लेकिन बाद में फिर से मर्ज अपनी असली हालत में आ जाता है। इसके अलावा गैर मेरी अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मजीद इमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है खवातीन हज़रात अपने जिनसी पेचीदा और पोशीदा इमराज के इलाज और जिंदगी की लज्जतों से लुत्फानंदोज होने के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीके इलाज पर ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिबी माहरीन की टीम ने मर्ज के असल इसबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम व जदीद तिबी तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिबी मुशाहदात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटी पर रिसर्च के बाद सुस्त अंजाल का महफूज और मौसर तरीका इलाज ज़हनी व जिस्मानी ताकत की बहाली के लिए मुकम्मल इलाज दराफ्ट किया है। नाज़रीन, तासीर होने पर सुस्त अंजाल का इलाज मुकम्मल तशखीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज मुतमिन होकर इलाज करवाते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुश्तमिल तासीर दुआने का सुस्त अंजाल के इलाज, जिसकी खास बात यह है सिर्फ चंद ही दिनों में सुस्त अंजाल और उसे खास से जुमला खाबियों का मुकम्मल खात्मा कर देता है। तासीर दुआने के एक दफ़ा के इलाज से आपको दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास सुस्त अंजाल का शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद इन नौजवानों की होती है जो हर तरह के इलाज कराकर भी और तरह तरह के अद्वियात इस्तेमाल करके भी मायूस हो चुके होते हैं। वो लोग मुतमिन होकर हमसे इलाज कराते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कुदरती तरीके इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वाहिद इलाज है जिससे किसी भी किस्म की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी सुस्त अंजाल जैसे मर्ज में मुतला हैं तो देर ना करें, बल्कि आज ये अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दुआ तशरीफ लाएँ और मुकम्मल चेकअप करवाकर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस मुसीबत से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाएँ। हमारे इलाज से न सिर्फ सुस्त अंजाल का खात्मा होता है, बल्कि इसकी वजह से पैदा होने वाले जिंसी, जिस्मानी और कमजोरी के लिए भी इंतहाई मुफीद और मौसर है। हर तरह के जिनसी पेचीदा पोशीदा इमराज के इलाज के लिए आज ही तासीर दुआ तशरीफ लाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया अगर और बहुत सी मालूमात हासिल हुई होंगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।